हेलो, दिस इज़ लालजी सर। वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अमेरिकन एकेडमी बाय लालजी सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। माय डियर क्लासेस, टुडे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 इंग्लिश पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ विथ होल क्यूटिक डिवाइसेस एंड द रैमिंग स्कीम्स। सो बिफोर इट यू आर एडवाइस दैट don't skip because it will be more beneficial for your first term examination, either you are the CBSE and NCERT students. So without spending my time, this is the first questions which you can see on the screen. Classes, this aap dekh pa rahe hain screen pe, what periodic device has been used in Asterius Players and Daring Dreamers? इसमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना चार प्रकार से दिया गया है ना, ए बी सी डी के रूप में। पहला में मेटाफोर, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। तो क्लासेस का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा एलिट्रेशन। अभी कैसे होगा इस चीज़ को आप देखने के लिए ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अस्टेरी में एस जो है इसका रिपीटेशन हुआ है, इसका रिपीटेशन हुआ है। ये कॉन्सोनेंट वर्ड है और सेम कॉन्सोनेंट वर्ड यहाँ भी रिपीटेशन हुआ है एस का, और सेम नेक्स्ट अगला जो कॉन्सोनेंट वर्ड है डी, इसका रिपीटेशन यहाँ पे आपका तुरंत देख नेक्स्ट वर्ड के साथ हुआ है डी के साथ, इसलिए आपका एलिट्रेशन का डेफिनेशन ये होता है कि जब एक से अधिक कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं अधिक बार रिपीटेड होने लगे तो उसे है ना रिपीटेशन वर्ड कहते हैं, सॉरी एलिट्रेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। तो क्लासेस अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड, मीन्स कवि के दिमाग में जो ना वो कौन सा मेमोरीज आता है, स्वीट मेमोरीज जो उसको पुनर्जीवित कर देती है मैंने पहले की यादों को। तो डेफिनेटली है इसका अकॉर्डिंग टू द लेसन राइट ऑप्शन विल बी सी, है ना, रेलोंग हॉलिंग ऑन द रूफ। ये ऑप्शन जो है राइट होगा क्योंकि रेनड्रॉफ गिरने से जो है ना उसका माँ की याद उसको आती है, लेखक को आते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख, तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो पोएम का रैमिंग स्कीम पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले पोएम को देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसके पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन बता दूँ। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर राइट होगा। अभी कैसे होगा इसके लिए आपको मैं पोएम में लेके चलता हूँ। तो क्लासेस ये रहा पोएम का पहला स्टेंजा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एंड पहला स्टेंजा के अंतिम वर्ड जो है ना लेटर्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है ई आर दिया हुआ है, मीन्स आर है। तो यहाँ पे आर जो होगा वो क्या होगा ना कि एक पोएटिक स्कीम पकड़ने के लिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी रैमिंग स्कीम पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लेटर पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आर से एंडिंग हो रहा है। तो डेफिनेटली इसको मान लेते हैं ये है, और ये एस से स्टार्टिंग फिनिशिंग हो रहा है इसलिए इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि सेम वर्ड सेम लेटर जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एस जो है वो आपका जो है डबल लेटर एस के साथ रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी अलग है जो कि ऊपर से कई लाइनों से अलग है, इसलिए ये भी सी होगा। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। तो अगला जो है ना उसका जो है टीयर्स में देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप, ये अंत में एस है, तो एस का रिपीटेशन इसका दूसरी पक्ति में हुआ स्फेयर्स में, इसलिए इसको हम दोबारा बी लिख सकते हैं। इट्स मीन ये बी सी बी, और आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद पांचवा लाइन जो है ना वो आपका डब्ल्यू से एंडिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डी बी तक सी तक आ चुके हैं, हमको इसको डी देना पड़ेगा नेक्स्ट, क्योंकि इसके पहले कहीं डब्ल्यू अंतिम मोड नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपका पांचवा के बाद ये आपका छठा में आपका जो है वो डी है, जो कि ऊपर के पांच लाइन में एंडिंग जो है ना नहीं हुआ है डी से, तो डेफिनेटली इसको ई मानना पड़ेगा। और नेक्स्ट आगे देखते हैं ई है, यार है, यार अंतिम वर्ड है, तो इसको हमको एफ मानना पड़ेगा। और नेक्स्ट आगे जो देखते हैं अंत में अंतिम लाइन जो है ना वो आपका डी है, जो कि पहले एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जो है ना बेड और ओवरहेड में डी का रिपीटेशन हुआ है, इट मीन्स का रैमिंग स्कीम जो बन जाएगा फिर से वही डी के साथ में क्या आया डी का, हम लोग बेड का रैमिंग स्कीम जो है ना वो माने हैं ई, तो डेफिनेटली ये भी ई होगा। अब देखते हैं पूरी तरह से मिला करके, तो क्लास हम पाते हैं कि एट लाइन्स के इस पक्ति में ए बी सी बी डी ई एफ ई ये रैमिंग स्कीम बनता है। तो इस प्रकार से आपका स्टैंजा टू में भी यही रैमिंग स्कीम बनेगा, और स्टैंजा थ्री में भी यही रैमिंग स्कीम बनेगा। तो इस प्रकार से
आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ये होगा जिसमें ये रैमिंग स्कीम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासेस ये कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आप अपने कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें कि आपको पूरी तरह समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिज वर्ड्स इज द यूज ऑफ द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ऑनोमोटोपिया। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्लासेस वो होगा डी नंबर पैटर, क्योंकि पैटर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पोएम में अधिकतर बार जो है ना उसका फ्रीक्वेंट टाइम इसको यूज किया गया है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज स्टारी स्पेयर्स मीन्स। स्टारी का मतलब होता स्टार मीन्स तारे, जो तारों का समूह जो होता है उसको स्टारी स्पेयर्स कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन विल बी सी नंबर स्टार ग्रुप इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम। मतलब कहना है कि पोएम में डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्लासेस वो होगा चिल्ड्रेन होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लेखक जो है उस समय बच्चे होते हैं और उसके साथ उसका सिबलिंग्स के बारे में चर्चा किया गया है, शायद जो उसके अलग रूम में सोते थे। तो वो जब सिबलिंग्स और लेखक जब सोते थे तो माँ एक बार उसे देखने के लिए आते थे। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब वो होगा चिल्ड्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड रिपीटेडली। मतलब बार बार जो होता लेखक के दिमाग में जो आता था आद वो क्या था। तो डेफिनेटली उसका जो आद आने वाली चीज जो थे वो था हिज मदर, उसकी माँ की याद उसको आता था बार बार। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस कौन सा है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लिस इन द पोएम फॉर द पोएट। मीन्स ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, हर्ष या आनंद जिसे कह सकते हैं खुशी। तो यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हिज मेमोरीज, हिज मदर, लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेनफॉल। तो डेफिनेटली कि रेनफॉल सुनने के कारण से जो है ना उसको ये आपका उसकी मेमोरीज बनती थी, मेमोरीज बनने के कारण उसकी माँ की याद आती थी और उसकी माँ की याद आने के कारण कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी राइट होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस ये तीनों कंडीशन रिलेटेड है इसका क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस कौन। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हॉन्ट्स द पोएट। मींस कवि को बार बार कौन तंग करता था। हॉन्ट्स मतलब होता है बार बार तंग करना। तो डेफिनेटली उसको बार बार जो तंग करता था वो साउंड ऑफ रेनफॉल था, क्योंकि जब जब बारिश की बूंदें पड़ती थी तब तक उनके जो होता ना उसकी मेमोरीज जो होती थी माँ की याद आती थी जो काफ़ी उसको अंदर से खुश कर देती थी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्लासेस अगला क्वेश्चन है, व्हाट वीप्स इन रेनी टीयर्स। मीन्स वर्षा की आंसू से कौन रोता था। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विल बी डार्कनेस, मीन्स अंधेरा, क्योंकि अंधेरे में बादल जो था ना वो स्टार्स की ग्रुप में चलता था और वहाँ से वो विचरण करती थी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्लासेस अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज उप मीन्स। तो उप का मतलब होता है जैसे कि कपड़ा को नाइटिंग करते हैं, बुनते हैं, बुनने के लिए जो उसमें मेट जैसे बुना जाता है। तो मेट को एक धागे के साथ दूसरा धागा जब पिरोया जाता है तो एक दूसरे के साथ जाली नुमा कर आकृति बनती है, उसी का मतलब उप होता है। तो क्लासेस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन विल बी ओवन क्लॉथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंगल्स। तो सिंगल्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा। तो डेफिनेटली सिंगल्स का मतलब होता है जहाँ कभी सोया हुआ था, तो उसके ऊपर जो छत था ना तो वो जो टाइल्स का बना हुआ था वो रूप वो जो सिंगल पीस से बना हुआ था, तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं ना साउंड ऑफ रेन पड़ती थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट नाइस ऑप्शन विल बी टाइल्स ऑन द रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस। तो क्लासेस अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द मदर लुक एट द चिल्ड्रेन। मीन्स माँ जो है ना बच्चे की ओर किस प्रकार से देखती है। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा विथ द फॉन्डनेस, मीन्स बड़े शौकीन रूप से देखती थी, देखने का पूरा उसका शौक होता था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्लासेस अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कॉटेज चैम्बर मीन्स। मतलब कॉटेज चैम्बर का मतलब यहाँ क्या होता है, जहाँ पे कवि रहता था उसी को कॉटेज चैम्बर कहते थे क्लासेस। तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाइस ऑप्शन विल बी बी नंबर रूम इन द कॉटेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासेस अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए साउंड वर्ड। इसमें से साउंड वर्ड कौन सा ना है। तो डेफिनेटली इसका जो नाइस ऑप्शन जो होगा सी होगा, नॉन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या। क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉलेक्शन मीन्स खाली स्थान है। तो इसका नाइस ऑप्शन जो होगा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन विल बी ए नंबर मेमोरीज होगा आधे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्लासेस अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टिंकल काउज एन एक।
इको, मतलब कहने का मतलब किस कारण से उसको टिंकल इको होता था, तो डेफिनेटली और कहाँ होता था, तो हार्ट में होता था। राइट ऑप्शन इसका जो होगा बी नंबर होगा, हार्ट। तो नेक्स्ट प्लसेस, नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही लिसंस टू द रेफरेंस। रेफरेंस मतलब होता है ना, जो बार बार पटर पटर की पानी की आवाज़ हो रहा था सुनाई दो, वो बार बार उसको किसकी याद दिला रही थी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी नंबर, हिज मदर्स कैंड हर्ट, उसके माँ का जो है ना वो दयालुता भरी हृदय को याद दिला देता है बार बार। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्लासेस अगला क्वेश्चन, व्हाट डज लिस्ट मीन, लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा अ लिस्ट होगा, लिसन भी नहीं होगा, राइट डाउन भी नहीं होगा, नॉट ऑन नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो बी नंबर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्लासेस वो होगा केट्स केनी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्लासेस अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लिसन मीन्स, कवि क्या सुनता है। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा, द स्वीट म्यूजिक ऑफ द रेनड्रॉप्स मीन्स स्वीट म्यूजिक ऑफ बारिश, बारिश की बूंदों को सुनता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासेस अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द पोएट मदर्स लिव, कवि कहाँ कहाँ रहता है। तो डेफिनेटली वो तो मर गई होती है, तो राइट ऑप्शन का जो होगा सी होगा, सी हैड डाइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द रेन मेकिंग एंड वाइज मीन्स, रेन बारिश जो है ना वो वर्षा का बूंदी जो है कहाँ हल्ला कर रही है मिस। तो डेफिनेटली वो ऑन द रूफ होगा, आपका बी नंबर राइट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्लास अगला क्वेश्चन है, व्हाट टिंकल्स ऑन द सिंगल्स मीन्स, जो सिंगल्स के रूप में जो सिंगल्स के ऊपर जो था ना वो टिंकल्स हो रही थी, वो क्या था। तो वो रेन ड्रॉप्स था, डेफिनेटली राइट ऑप्शन जो होगा ए नंबर होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो क्लासेस अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लिस फॉर द पोएट मीन्स, कवि के लिए सबसे परमानंद की चीज़ें क्या थी। तो डेफिनेटली है कि कवि उस जब पानी बारिश हो रही थी तो सोया हुआ था, तो डी नंबर राइट ऑप्शन होगा ना, लाइंग ऑन बेड इन जॉयफुल मूड। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उसका तो फेवरेट एक्टिविटी क्या था रेनी सीजन में कवि का। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्लासेस वो होगा आपका डी नंबर, लाइव ऑन बेड है ना, बेड पर पड़े रहना, एंड द लिसन टू द पेटर पैटर साउंड ऑफ द रेन, पेटर पैटर साउंड जो है ना ध्वनि बारिश का सुनना, ये उसका फेवरेट सीन था। तो इस प्रकार से मैंने सभी VVI गेस्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया, एंड आई होप ऑन यू इच एंड एवरी वन दैट यू मे हैव बीन ऑन द टू रीच वेरी वेल वे। बट वन रिक्वेस्ट आप लोग सब से कि आप जितने भी 9th क्लास के विद्यार्थी होंगे वो सभी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस VVI MCQ का जो है ना बेनिफिट ले सके, और उसे भी शेयर करने के लिए बोले नेक्स्ट आगे फ्रेंड लोगों को, इस प्रकार से लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो मैनुअल एच एंड एवरी वन, थैंकिंग यू, बाय बाय।